हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। आज के टाइम पे हमारे इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में महिलाओं के ऊपर हिंसा बढ़ रही है। आए दिन खबर आती रहती है कि इस जगह पर किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ निंदनीय घटना घटी है। लेकिन क्या इस दुनिया की वुमेन्स को हम सुरक्षित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं इस दुनिया में? दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे इंडिया में हैदराबाद में रहने वाले एक लड़के ने 2017 में एक ऐसे डिवाइस का इन्वेंट किया था जो वुमन सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस माना गया है। तो आइए जानते हैं कौन सा है वो डिवाइस जो वुमन्स को कोई इंसिडेंट होने से पहले ही बचा सकता है। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। इस वीडियो में आपके घर की महिलाओं की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं होम स्टेट और इस चैनल पे मैं इसी तरह के इन्वेंशन के ऊपर बेस्ड वीडियो लाते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब इस डिवाइस का इन्वेंट किया गया 2017 में, तब उस लड़के की उम्र थी सिर्फ 17 साल। इस लड़के ने लड़कियों और महिलाओं को रेप जैसी हिंसा से बचाने के लिए एक पहल की है। सिद्धार्थ मंडल नाम के एक स्टूडेंट ने लड़कियों के लिए एक ऐसी चप्पल बनाई है जिससे कि लड़की को छूने वाले को न सिर्फ करंट लगेगा बल्कि इस चप्पल में ऐसा सेंसर लगे हुए है जो घटना का अंदेशा होते ही पुलिस और लड़की के परिजनों को तुरंत ही घटना की जानकारी दे देगा। सिद्धार्थ ने इस चप्पल को इलेक्ट्रो शूज नाम दिया है। सिद्धार्थ का दावा है कि अगर किसी लड़की ने इस चप्पल को पहना तो उसे सुरक्षा देने में ये इलेक्ट्रो शूज बहुत ही यूजफुल डिवाइस बन सकता है। इस इलेक्ट्रो शूज की सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलेक्ट्रो शूज दिखने में बिल्कुल एक आम चप्पल की जैसे है, ताकि लड़कियों पर कोई शक ना कर सके। क्योंकि अगर किसी बंदे ने किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश की और अगर उसे पता है कि ये कोई ऐसा डिवाइस लड़की कैरी कर रही है जिससे ये अपने पुलिस स्टेशन और परिवार जनों से कनेक्टेड रहे, तो वो बंदा शायद पहले इस डिवाइस को डैमेज करने की कोशिश करेगा। इस इलेक्ट्रो शू को चार्ज करने के लिए किसी बिजली या बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती, ये चलने भर से चार्ज हो जाएगा। सिद्धार्थ ने ये टेस्ट खुद एक लड़की पर करके देखा है जो बिल्कुल सही साबित हुआ। सिद्धार्थ का कहना है कि इसे पहन के बाहर निकलने से पहले इस इलेक्ट्रो शू को चार्ज है कि नहीं ये चेक कर लिया जाए। अगर चार्ज नहीं है तो इसे घर में ही चल के थोड़ा चार्ज कर लिया जाए, बाद में बाहर जाया जाए। निर्भया हिंसा से मिली थी सिद्धार्थ को लड़कियों के लिए ऐसे डिवाइस बनाने की इंस्पिरेशन। सिद्धार्थ का कहना है कि 16 दिसंबर 2012 के दिन दिल्ली में हुई निर्भया हिंसा ने पूरे इंडिया को ही नहीं पूरी दुनिया को बहुत ही सैड न्यूज दी थी। इसे देखकर उन्हें लगा कि उन्हें लड़कियों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि लड़कियां अपनी सुरक्षा खुद कर सके, और इस तरह के इवेंट पूरी दुनिया में होने चाहिए और पूरे इंडिया में भी होने चाहिए, ताकि हम हमारी वुमेन्स को और हमारी लड़कियों को पूरी दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित महसूस करवा पाए। तो बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको जरूर कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि होम स्टेट के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखिए, नियमों का जरूर पालन करें और ईमानदार बने।